हेलो नमस्कार दोस्तों। तो देखो आज आपके साथ एक बहुत ही खास जानकारी शेयर करनी है। तो ये आपके सामने देखो दो टायर लगे हैं ये, और ये एक ही एक्टिवा से उतर रहे हैं, एक ही एक्टिवा है उसी में से उतारे जा रहे हैं। और ये लड़के लोग देखो ये दोनों टायर डाल रहे हैं कस्टमर के। और इसमें हुआ क्या है कि ये आप देख पा रहे होंगे ये है MRF का टायर, और आप देखिएगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 40/16, मतलब कि ये 2016 का टायर है। और ये आपका आप देख पा रहे हैं कितना माल इसमें अभी भी बैलेंस है, ये एक्टिवा में लगा हुआ था कस्टमर के, और ये लगभग 7 साल चला हुआ टायर है। और उसी के हिसाब से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अपोलो का टायर है, अपोलो का 90/110। इसमें अगर आप देख पाएंगे तो मैं आपको इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कोड दिखा देता हूँ, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग कोड 40/2021 है। तो ऑलमोस्ट ये लगभग 2 साल चला हुआ टायर है, 2 साल में देखिए आप इसकी कैसी हालत हो गई है। 2 साल में ये साइड से भी इसमें लगभग 4-5 पंचर एक साथ डाल दिए गए हैं, मतलब कि अपोलो की क्वालिटी जिस हिसाब से नाम है अपोलो का उस हिसाब से क्वालिटी ये नहीं दे पा रहे हैं, पर इनके टायर बहुत ही लाइट क्वालिटी के हैं। और ये कस्टमर को अभी हार्डली 1.5-2 साल हुए हैं टायर डलाए हुए, और बिल्कुल ख़त्म हो चुका है टायर। और उसी के उसमें आप कंपेयर में अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये MRF का टायर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का टायर है। और कुछ भी कहो MRF है, और MRF की क्वालिटी कंपेयर करना इतना आसान नहीं है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए MRF की क्वालिटी बहुत फ़र्क है दोनों टायरों में, एक टायर सिर्फ 1.5-2 साल में घिस गया है और एक टायर लगभग 6-7 साल की लाइफ दे रहा है। तो आपके ऊपर डिसीजन है, आप अपने हिसाब से टायर लें। धन्यवाद।